काम था तो मैं अपना काम फिनिश करके तो फारिग हो गई हूँ। अब मैं सोच रही थी सुबह के ना मेरा जल्दी से काम हो जाए तो मैं एक एक्टिविटी की वीडियो बनाऊंगी और आपको भी शेयर करूंगी। तो आज की एक्टिविटी बड़े मजे की होने वाली है, उससे पहले जरा आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेते। तो ये मैंने अपना कंप्यूटर का मेरा काम था, मैंने फौरन से इसको कर लिया, थोड़ा सा बस काम था, टीचर ने हमें बहुत थोड़ा काम दिया तो वो मैंने कर लिया। सुबह की मैं लगी हुई उसको लेके, सुबह की लगी हुई हूँ। सुबह नाश्ते के बाद अम्मा ने मुझे बिठाया, अम्मा ने कहा था मुझे दाल चावल, वैसे मैं आपको बताऊँ मुझे बहुत पसंद है, तो मम्मा ने आज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, दाल चावल बना दी मेरे लिए। तो मम्मा ने कहा कि अगर कंप्यूटर और उर्दू का काम पूरा ना हुआ तो मैंने तुम्हें दाल चावल नहीं देने। मैं फिर इतना हैरान हूँ, मैंने नाश्ते के बाद फौरन काम शुरू कर दिया, डर 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 डर। तो फिर मेरा काम शुरू हो, मतलब कि एक हम वर्ड बनाने जा रहे हैं, वो भी पेपर का, क्योंकि आप सब लोगों को मैंने आपको पिछली भी बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैं डार्क पिंक और लाइट पिंक ले आई हूँ। और अगर आपका कोई सा भी फेवरेट कलर है तो आप उस कलर का कोई सा भी पेपर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है, ठीक है। तो अब हम अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं आपको जरा ये इसको मैं पीछे कर देती हूँ, ये मेरा फोन हवाओ हवाओ हवाओ। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ पे, अब मैं आपको मटेरियल दिखाती हूँ। मटेरियल दिखाने से पहले मैं आपको दो चार बातें बता दूँ। ये है कि जब मतलब कि ये वीडियो बनाने से पहले मैं जब प्रैक्टिस, तो ये मेरी ना प्रैक्टिस करते करते मेरी इतनी प्यारी वॉच टूट गई है, ठीक है। ये देखें, ये टूट गई, इसका हिस्सा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये टूट गया। आप इसे मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाटरप्रूफ भी है। पहले इसकी क्वालिटीज दिखा दूँ और इसकी बुराइयाँ बता दूँ कि क्या क्या है। अच्छा, ये वाटरप्रूफ भी है, और अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग करते हैं, अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो और आपने बच्चों को ये दिलाया हो वाटरप्रूफ है, तो स्विमिंग में ना स्विमिंग बंदा कर रहा होता है तो ये बिल्कुल भी ये उसको कुछ नहीं होता, वाटर के अंदर भी इसे टच कर। जो बात है ना वो ये है कि ये आपका जो, जब आप इसको अगर आपने यहाँ पे अपना बांधा हो और आप वॉक कर रहे हो तो ये आपका स्टेप भी काउंट करते हैं। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में, आपका जो फ़ोन है ना, आपके फ़ोन में अगर जैसे कि एक ऐप वो है होती है, कुछ कुछ फ़ोन में होती है, कुछ कुछ फ़ोन में नहीं होती है, एक ऐप होती है जो आपके चलने में स्टेप काउंट करती है, तो ये उसी तरह ये स्टेप काउंट करता है। आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं, कितनी आपकी हार्ट बीट है। अभी इसकी बैटरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बातें करते करते इसका मुझे मैसेज आया है यहाँ पर कि बैटरी डेड तो ये इसकी बैटरी नहीं है अभी, वरना तो मैं आपको दिखा देती। तो म्यूजिक भी लगता है, म्यूजिक भी आता है यहाँ पे, और ये कैमरा तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए कैमरा की ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये हो गई इसकी अच्छाइयाँ, अब इसकी बुराई तो कोई नहीं है। मैं आपको जो बर्ड मैंने बनाना है उसका मटेरियल मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये पेंसिल जो कि हर किसी के घर में आती है, दूसरा ये ग्लू, तीसरी ये कैंची, तो था ये मैं आपको ना किसी आर्ट वाली मार्केट से मिल जाएगी। ये एक आईज होती है, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखें ये आईज होती है, इसके अंदर एक और आईज डली होती है जो कि हिलती है। ये इधर करूँगी इधर जाएगी, इधर करूँगी इधर जाएगी, तो ये हिलती है, ठीक है। इसको भी हमें यूज़ करना है लेकिन छोटा वाला। अच्छा, अब हमें ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये हमें पेपर चाहिए, तो मैंने तो पिंक और लाइट पिंक और डार्क पिंक लिए, तो वो मुझे चाहिए। मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे बनाना है, और साथ में ये यहाँ पर मेरा जो मैथ बॉक्स है जिसे मैं बोलती हूँ डी बॉक्स, इसके अंदर मैं आपको इसका रिव्यू दिखा देती हूँ। ये देखें, ये सारा है इसके अंदर, ये मैं इस खाली इसके यूज़ करूँगी, ठीक है। तो हम अभी एक्टिविटी अपनी शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले ये देखिए, हमने दो सर्कल छोटे काटने और दो सर्कल बड़े काटने। ये मैं इसे राउंड कर रही हूँ, इसे करने के लिए थोड़ी सी एहतियात चाहिए होती है, क्योंकि कभी ना कभी तो ये ख़राब हो ही जाता है। अच्छा चले, ये मैंने बना लिए इधर, मैंने दो बना लिए, एक ब्लू पे, एक डार्क ब्लू पे और एक डार्क पिंक पे। अब हम बनाएंगे डार्क। तो गई है, मैंने यहाँ पे इनको सर्कल से बना दिए छोटे बड़े दोनों। अब हम इन्हें कट करते हैं, वो भी सीधे से, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कैंटी। उर्दू की टीचर बन गई मैं। अच्छा,
इसे हमने बहुत ज्यादा एहतियात से काटना है, क्योंकि मैं अभी जैसे याद आया हमारी उर्दू की टीचर बहुत अच्छी है, उर्दू और इस्लामियात की टीचर दोनों, मतलब कि उर्दू और इस्लामियात जो है ना टीचर, वो दोनों एक ही हैं, दोनों सब्जेक्ट की टीचर एक ही हैं, तो वो बहुत ही अच्छी हैं हमारी और वो हमें बहुत अच्छा टीच करती हैं। और मुझे इंग्लिश और आप लोगों को पता है मुझे इंग्लिश और मैथ बहुत पसंद है, ठीक है, इंग्लिश और मैथ और आईसीटी और एसएसटी, आईसीटी को कंप्यूटिंग कहते हैं, तो मुझे कंप्यूटिंग और एसएसटी और इंग्लिश और मैथ बहुत पसंद है, ठीक है, और मुझे आईसीटी बेहद बहुत ज़्यादा, मतलब कि मुझे फेवरेट है। मैंने ये दो कट कर लिए, ठीक है, ये देखेंगे एक बड़ा एक छोटा, तो हाँ कहाँ थी मैं, हाँ वहाँ पे। अच्छा, तो कभी कभार जब मैं प्रोजेक्ट बनाती हूँ तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो हालांकि टीचर ने अच्छी तरह स्कूल में टीच भी किया होता है कि आप लोगों ने इस तरह करना है, इस तरह करना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से ना कभी कभार निकल जाता है।
प्यारे प्यारे से बन गए। और ये वैसे मैं आपको बताऊं, ये उड़ने वाले बर्ड नहीं है, ये तो बड़े प्यारे प्यारे से पेपर्स के बर्ड हैं। तो इनको अगर हम आगे से यहाँ पे अभी अच्छी तरह सेटल करके रख देंगे और इनको आगे से ऐसे करेंगे तो ये पीछे रहेगा, पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। वो कह रहा मुझे छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो, ये बड़ा शरीफ बंदा है, ये उड़ता नहीं है। अब हम इससे अपने बच्चों को खिलाएंगे और बच्चे फिर इसको देख के हंसेंगे, इस तरह हंसेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि मतलब कि बाहर वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और मेरे बाबा ना वीडियो के तो मतलब कि जहाँ पे मेरी वीडियो बंद होती है ना, बाबा कहते जल्दी करो वीडियो अपनी, जल्दी बंद करो, हमने बाहर वॉक करने जाना है, फिर रात हो जाएगी। तो मैं कह रही थी अच्छा भाई आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। बाबा फिर नीचे क्या कहते हैं नीचे गाड़ी स्टार्ट करके बैठे हुए। तो अब मैं आपको मैं चलती हूँ नीचे और इसी वीडियो के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। 5 मिनट लगते हैं मतलब कि 5 मिनट वॉक करने के बाद हमारा वो पार्क आ जाता है। तो वहाँ पे मैं जाती हूँ, कभी कभार इस तरह होता है कि ना मेरे साथ इस तरह होता है कि मैं मम्मा पापा से बातें कर रही होती हूँ तो पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम फौरन से वो पार्क चले भी जाते हैं, इतना बिजी होते हैं हम बातें करने में। तो यहाँ पे ये फाउंटेन चल रहा था, ये बहुत ये वाला नज़ारा जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बहुत मस्तियाँ भी कर रही थी। मामा पापा ने 4-5 चक्कर्स लगाए लिए थे, राउंड लगाए लिए थे ये ट्रैक के ऊपर। और हम अपने अपने अम्ब्रेलास भी लेके गए हुए थे ताकि जब भी बारिश हुए तो हम अपना अम्ब्रेला ऊपर ले लें। तो फिर हम यहाँ पे छोटी छोटी टुकड़ों वाली बारिश हो रही थी, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं उसकी बारिश हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे हम पार्क आ गए और यहाँ पे मैंने इतने ज़्यादा झूले लिए, इतनी मस्तियाँ की। मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे, बातें मतलब कि उनसे मैं बातें कर रही थी तो मेरे फ्रेंड्स भी बन गए वो। मुझे बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। यहाँ पे मैं तो स्विंग ले रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर यहाँ पे देखें ये क्लाउड्स को आप देखें, यहाँ पे ग्रीनरी हुई हुई है और क्लाउड भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बस अल्लाह की कुदरत है। यहाँ पे फिर मैं पंगे चंगे ले रही थी झूलों पे, छोटे छोटे बच्चों के झूले थे वहाँ पे, पंगे चंगे ले रही थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा और ट्राई भी करके देखा होगा। तो टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।